हेलो एवरीवन। सो ये लेक्चर 21 है और आज हम नॉन एक्सेस मॉडिफायर्स का जो आखिरी बचा था एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड वो देखने जा रहे हैं। स्टैटिक कीवर्ड और फाइनल कीवर्ड ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम नॉन एक्सेस मॉडिफायर का आखिरी एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो जो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड है वो मेथड पे या क्लास पे लगेगा। ठीक है, ये आपको डिटेल बता दूंगा। वेरिएबल कैन नॉट बी स्पेसिफाइड विथ एक्सेस एब्स्ट्रैक्ट नॉन एक्सेस मॉडिफायर। ठीक है, वेरिएबल पे हम कभी एब्स्ट्रैक्ट लगाएंगे नहीं, जैसे स्टैटिक एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडिफायर है, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मॉडिफायर है जो कि हम वेरिएबल पे भी लगाते थे। ठीक है, मेथड पे भी लगाते थे, क्लास पे भी लगाते थे। ओके, लेकिन ये जो एब्स्ट्रैक्ट है वो सिर्फ मेथड या क्लास पे लगेगा। ओके, ऑन स्पेसिफाइंग अ मेथड विथ एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड वी कैन जस्ट डिक्लेयर अ मेथड विदाउट इम्प्लीमेंटिंग इट। ओके, हम सिर्फ डिक्लेयर करेंगे और फिर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो लेट्स टेक एग्जांपल। ठीक है, एक पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन बना दिया हमने। ओके, लेट्स से यहाँ पे मैं क्लास ए बना रहा हूँ, इसके अंदर एक मेथड बना रहा हूँ पब्लिक वॉइड। लेट्स से ए बी सी एक मेथड है और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। लेट्स से मैं लिख रहा हूँ हेलो। ओके, और ओके ठीक है। ये हमने इंस्टेंस मेथड बना दिया। लेट्स से अभी मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ एब्स्ट्रैक्ट। तो लेट्स से हमें अभी एरर आ गया। क्या आ रहा है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड डू नॉट स्पेसिफाई बॉडी। तो सिंपल सी बात है, मैंने जो अभी बताया ना, एब्स्ट्रैक्ट मेथड में हम सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते, हम सिर्फ डिक्लेयर करते हैं। ओके, हम सिर्फ डिक्लेयर करते हैं। ये देखो, यहाँ का एरर चल गया, लेकिन अभी एक एरर है। तो एक बात ध्यान रख लो, अगर एक क्लास में कोई भी क्लास है जिसके अंदर तुमने एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन किया है, तो क्लास को भी तुम्हें एब्स्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये देखो, एरर चले गए, कंपाइल टाइम एरर जो भी है वो चले गए। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो हमने पढ़ा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट हमेशा मेथड या क्लास को ही लगेगा, वेरिएबल को नहीं लगेगा। और जब भी तुम एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाओगे तो तुम क्या करोगे, सिर्फ डिक्लेयर करोगे, इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, मेथड बॉडी नहीं लिखोगे। ठीक है, तुम डिक्लेयर वगैरह कुछ नहीं करोगे, उसके अंदर बॉडी वगैरह कुछ नहीं लिखोगे, सीधा ठीक है सीधा सेमी कोलन लगा दूंगी यहाँ पे। और मैंने क्या बोला, क्लास के अंदर एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो तुम्हें क्लास को एब्स्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो तुम्हारी क्लास भी क्या रहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। सिंपल सा कंसेप्ट है। ओके, ये देखो, क्लासेस हैविंग एटलीस्ट वन एब्स्ट्रैक्ट क्लास मेथड मस्ट बी स्पेसिफाइड एज एब्स्ट्रैक्ट। ओके ओके ठीक है, सिंपल सा है। एक भी तुम्हारी मेथड एब्स्ट्रैक्ट होंगी क्लास में, तो क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट होंगी। सब क्लासेस इनहेरिटिंग द सुपर क्लास नीड्स टू इम्प्लीमेंट द एब्स्ट्रैक्ट स्पेसिफाइड मेथड। ओके, तो सिंपल सी बात है, ये बोल क्या रहे हैं। लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं हम, क्लास बी, और मैं बी को क्या बना रहा हूँ, चाइल्ड क्लास बना रहा हूँ। ठीक है, बी को क्या बना रहा हूँ, चाइल्ड क्लास, तो चाइल्ड क्लास बनाता है निकाय तो एक्सटेंड्स ए। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसको मेरे को अभी डिक्लेयर करना पड़ेगा। ओके, तो लेट्स से पब्लिक वॉइड ए बी सी है, तो मेरे को अभी डिक्लेयर करना है। ओके, तो मैं लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, लेट्स से हेलो। ओके ठीक है, ओके ठीक है। तो यहाँ पे हाँ, ये देखो एरर चले गया अभी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा आपको। सिंपल सी बात है, मैं इसकी सब क्लास बना रहा हूँ ना, लेट से मैं बी क्या है, चाइल्ड क्लास है ए का, तो जितना भी ए के अंदर है उतना इसके अंदर तो आ जाएगा। लेट से मैं यहाँ पे कमेंट करता हूँ, तो मेरे को कंपाइल टाइम एरर आ जाएंगे। क्यों एरर आएगा, क्योंकि मैंने क्या बोला है कि अगर तुम्हारे क्लास पे एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो क्लास भी तुम्हारी एब्स्ट्रैक्ट रहेंगी। तो अब बी क्या है, चाइल्ड क्लास है ए का, यानी ए के अंदर जितना उतना बी के अंदर तो आ गया, यानी ये जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है वो बी के अंदर भी आ गई। तो यानी तुमको एरर करने का रिजल्ट, तो तुम्हें बी को भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास देना पड़ेगा।
ठीक है, ये देखो एरर सॉल्व हो गया, आई थिंक इट्स क्लियर। तो सिंपल सी बात है, मैंने एक ही पॉइंट बताया, तुम्हारी क्लास है, ये देखो तुमने एक क्लास बनाई, उसके अंदर तुमने एक मेथड मेथड किए, एब्स्ट्रैक्ट मेथड हम कैसे डिफाइन करते हैं, उसके अंदर हम कोई मेथड उसके अंदर कोई अपन बॉडी नहीं लिखते, सीधा सेमी कॉलन लगा देते, सिर्फ डिक्लेयर करते मेथड को, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड। और तुम्हारे क्लास के अंदर कोई भी एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो तुम्हारी क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास रहेंगी, सिंपल सा कंसेप्ट है। अभी एक तुम चाइल्ड क्लास बना रहे हो, चाइल्ड क्लास बना रहे हो एक ही, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के तुम चाइल्ड क्लास बना रहे हो, यानी जितना ए के अंदर है उतना बी के अंदर तो आ जाएगा। तो तुमको अगर ये क्लास को एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाने का है, तुम्हारी जो भी चाइल्ड क्लास है उसको एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाने का है, तो तुमको जितने भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है ए के अंदर उसको तुमको डिक्लेयर करना पड़ेगा, उसको तुमको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। डिक्लेयर तो तुमने यहाँ पे कर ही दिया है, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर तुमने इम्प्लीमेंट नहीं किया है तो तुम्हें कंपाइल टाइम एरर आएगा, और वो कंपाइल टाइम एरर को रिजोल्व करने के लिए तुमको एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाना पड़ेगा, सिंपल सा यही है। ठीक है, सिंपल सी बात है यार, तुम्हारे मैंने क्या बोला है, एक क्लास में अगर एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट आएगी। तो ये क्लास के अंदर क्या है, बी चाइल्ड क्लास है, तो जितना भी ए के अंदर उतना तो इसके अंदर आ ही गया है ना, ओके, जितना भी इसके अंदर उतना इसके अंदर आ ही गया, यानी एब्स्ट्रैक्ट मेथड बी के अंदर भी है, तो तुम्हें क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये ऐसा भी आप सोच सकते हो। ठीक है, तो वो एरर रिजोल्व करने के लिए लेट से मैंने अभी कर दिया है, ठीक है, उसके अंदर ये मैंने अभी ए बी सी मेथड को डिक्लेयर कर दिया है, तो अभी मैं इसको एब्स्ट्रैक्ट नहीं भी लिखूंगा तो भी चलेगा, ओके। और एक बात, मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी डिक्लेयर कर सकता हूँ और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी डिक्लेयर कर सकता हूँ। नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या है, लेट से मैं इसको ए बी सी डी कर देता हूँ, ऊपर ए बी सी डी मेथड है, ओके। नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड बोल तो सिंपली अपनी मेथड जहाँ एब्स्ट्रैक्ट लिखा नहीं है वही नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है, ओके। सो देखते हैं और क्या है, वही है इन सुपर क्लास। तो अभी एक लास्ट पॉइंट क्या है कि हम जो भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसको ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, उसको ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, लाइक ए वन इज इक्वल टू न्यू ए, हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, हमको आ जाएगा एरर, ये देखो कैन नॉट इनिशिएट द टाइप ए, ठीक है, तुम ऐसा ऑब्जेक्ट बना ही नहीं सकते। तुम ऑब्जेक्ट बना सकते हो बी, बी बी वन इज इक्वल टू न्यू बी, ठीक है, जो भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तुम उसको ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, ओके। लेकिन मैंने आपको अपकास्टिंग बताया था, एक अपकास्टिंग आपको याद होगा, तो अपकास्टिंग क्या है, अपकास्टिंग क्या है, पेरेंट क्लास का रेफरेंस और चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट, क्या है, पेरेंट क्लास का रेफरेंस और चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट, ये देखो एरर नहीं आएगा, ओके, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट, चाइल्ड क्या है हमारा बी, ये देखो हाँ कैपिटल बी, एरर नहीं आएगा, सिंपल सी बात है, ए वन की जगह, हाँ ठीक है। तो क्या है अपकास्टिंग, ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया है, और क्या एक्सेस होगा क्या नहीं होगा ये अपकास्टिंग के वीडियो में आप देख सकते हो, मैंने एकदम अच्छे से डिटेल में बता दिया है, उसके अंदर सिर्फ सीधे सिंपल से दो पॉइंट थे, वो रिपीट नहीं करूँगा मैं, आप देख सकते हो, सिंपल से अपकास्टिंग का एक ही कंसेप्ट है, पेरेंट का रेफरेंस वेरिएबल और चाइल्ड का ऑब्जेक्ट, ओके ठीक है। सो मैंने हमने आज पढ़ा क्या क्या है, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्या हो सकता है, मेथड या क्लास ही होगा, ओके। एब्स्ट्रैक्ट कभी भी हम वेरिएबल पे अप्लाई नहीं करते, एब्स्ट्रैक्ट कभी भी हम वेरिएबल पे अप्लाई नहीं करते, ठीक है। तुमको कोई भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने का है तो सिंपल तुमको उधर सिर्फ डिक्लेयर करना पड़ता है, इंप्लीमेंटेशन नहीं करना पड़ता, सिर्फ डिक्लेयर सेमी कोलन लगा देंगे और डिक्लेरेशन हो जाएगा, ओके। अगर तुम्हारे क्लास में एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो तुम्हारी क्लास भी क्या रहेंगी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास रहेंगी, ठीक है। तो अब क्या बोला मैंने, एक क्लास है पेरेंट क्लास, तो पेरेंट क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास है क्योंकि उसके अंदर एक तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ओके। तो तुम्हारी जो भी चाइल्ड क्लास रहेंगी, तुम्हारी जो भी चाइल्ड क्लास रहेंगी तो तुमको वो जो मेथड्स है, जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड पेरेंट क्लास में, उनको तुमको डिक्लेयर करना पड़ेगा, ओके, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर तुमने इम्प्लीमेंट नहीं किया तो तुम्हारी वो चाइल्ड क्लास है उसको भी तुम्हें एब्स्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये अच्छे से बता दिया है मैंने, क्योंकि जितना पेरेंट के अंदर उतना चाइल्ड के अंदर तो आ ही जाएगा, नहीं चाइल्ड के अंदर भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड आ जाएंगे, और एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तुम्हारी क्लास के अंदर तो क्लास भी तुम्हारी क्या रहेंगी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, तो वही कंसेप्ट है, ओके ठीक है। और ऑब्जेक्ट तुम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के नहीं बना सकते, जो भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है ए उसको ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, यह हमने अपकास्टिंग किया, अपकास्टिंग बोल तो रेफरेंस वेरिएबल पेरेंट का और ऑब्जेक्ट है चाइल्ड का, ठीक है, ये अपकास्टिंग वाले ट्यूटोरियल में आप देख सकते हो। तो सिंपल सी बात है, यही था एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। अभी क्या है, ये देखो स्टैटिक क्या है, ये स्टैटिक बोल तो ये मैंने अच्छे से बता दिया है, तो एक बात बस ध्यान रखो, अगर तुम्हारी कोई भी मेथड स्टैटिक है तो तुम वहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते,
जैसे मैंने एक्सेस मॉडिफायर में ही अच्छे से डिटेल में बता दिया था। ठीक है, तुम्हारी मेथड पब्लिक स्टैटिक, इनर क्लास भी हो सकती है, वेरिएबल मेथड भी हो सकती है। तो हमें अभी एब्स्ट्रैक्ट तो मालूम ही है, एब्स्ट्रैक्ट तुम सिर्फ वेरिएबल्स और मेथड क्या क्लास और मेथड्स पे लगा सकते हो। ओके, लेकिन तुम्हारी मेथड जब भी स्टैटिक रहेगी या फाइनल रहेंगी, तुम वहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, और सिंपल सी बात, तुम कंस्ट्रक्टर पे भी एब्स्ट्रैक्ट यूज़ नहीं कर सकते। सोचो कि सिंपल सी बात है, हम कंस्ट्रक्टर डिफाइन ही क्यों करते हैं। कंस्ट्रक्टर क्या है, एक प्रकार का, जब भी हम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर, जब भी हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ओके, और कंस्ट्रक्टर को हम अगर एब्स्ट्रैक्ट दे देंगे, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, हम वहाँ पे इंप्लीमेंट ही नहीं कर रहे मेथड, तो वैसा तो चलेगा ही नहीं, हमें तो कंस्ट्रक्टर के अंदर कोड लिखना ही पड़ता है। ठीक है, तो हम कंस्ट्रक्टर को भी कभी एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाते। ओके, और कभी भी स्टैटिक और फाइनल एब्स्ट्रैक्ट नहीं रहेंगे। ओके, मतलब सिंपल सा है, कोई भी तुम्हारी मेथड अगर स्टैटिक है तो वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं रहेंगी, और कोई भी तुम्हारी मेथड अगर फाइनल है तो वो भी एब्स्ट्रैक्ट नहीं रहेंगी। ठीक है, सिंपल सा ये कंसेप्ट है। ओके, ठीक है, सिंपल सा वैसा ही है। अगर तुम्हारी कोई मेथड फाइनल है और तुम उधर एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर रहे हो, तो सिंपल सी बात है, एब्स्ट्रैक्ट का रूल क्या बोलता है कि तुम वो मेथड को क्या बोलते हैं, तुम इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, सिर्फ डिक्लेयर करोगे, तो वैसा थोड़ा ना होता है। फाइनल बोल तो फिर तो वो होगा ही नहीं ना। तो एक बात याद रख लो, कोई भी स्टैटिक मेथड या फाइनल मेथड है तो तुम वहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नहीं यूज़ कर सकते। सिंपल सा कंसेप्ट है एब्स्ट्रैक्ट का, मैंने एकदम शॉर्ट में अच्छे से बता दिया है। ठीक है, आई थिंक इट्स क्लियर।